स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ नए टॉपिक लेकर के आए हैं। एक है टॉपिक आपका, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिजल्टेंट ऑफ मोर देन वन फोर्सेस या टू फोर्सेस, मोर देन टू फोर्सेस एक्टिंग इन ए प्लेन। ये हम ये कह सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग इन ए पॉइंट। एक किसी पॉइंट में वो एक्ट कर रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। देखिए, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स प्लेन, ये हो गया वाई प्लेन। इधर एक्स निगेटिव है, ये पॉजिटिव प्लेन होता है, इधर वाई पॉजिटिव प्लेन है, ये इधर एक्स निगेटिव प्लेन है, ये और इधर ये वाई निगेटिव। अब यहाँ पर एक पार्टिकुलर पॉइंट, सपोज दैट ओरिजिन ले लें, इस ओरिजिन पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो इनका आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है। सपोज दैट फोर्स एफ वन एलॉन्ग एक्स पॉजिटिव एक्सिस, एफ टू एट एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एफ थ्री एलॉन्ग वाई पॉजिटिव एक्सिस, एफ फोर एट एन एंगल थीटा विथ थीटा वन विथ निगेटिव एक्स एक्सिस, एफ फाइव एलॉन्ग एक्स निगेटिव एक्सिस, एफ सिक्स एट एन एंगल थीटा टू विथ निगेटिव एक्स एक्सिस, एफ सेवन एलॉन्ग वाई निगेटिव एक्सिस एंड एफ एट एट एन एंगल थीटा विथ थीटा थ्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। करेक्ट। तो इस तरह से हमने ये कॉन्करेंट फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया है। अब इनका आपको फाइंड करना है रिजल्टेंट, फोर्स, माने कि एट फोर्सेस आपने कितने फोर्स रिप्रेजेंट किए हैं, एट। तो इनका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो कहाँ पर एक्ट करेगा, किस एक्सिस में होगा या किस क्वाड्रेंट पे होगा, कितने डिग्री उसका इंक्लाइनेशन होगा, करेक्ट, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये चीज़ हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जितने भी फोर्सेस हैं इनको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमने वेक्टर एनालिसिस में स्टडी किया है कि रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व कर लीजिए एलॉन्ग एक्स प्लेन एंड एलॉन्ग वाई प्लेन, यानी हॉरिजॉन्टल रिजॉल्यूशन एंड वर्टिकल रिजॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, रिजॉल्व फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। तो सबमिशन ऑफ एच ये लगा दें। अब यहाँ सबमिशन क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ एट फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट में एट फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम सबमिशन लगाएंगे। अगर एक फोर्स होता तो डायरेक्टली हम एच इज इक्वल टू रिजॉल्व कर देते समथिंग ए कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, जो भी होता। अब यहाँ पर जब हम हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व कर रहे हैं तो सबमिशन ऑफ एच, देखिए ये एफ वन जो है ये एलॉन्ग एक्स पॉजिटिव एक्सिस, माने कि यहाँ पर थीटा कितना हो गया, जीरो डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल रिजॉल्यूशन में कॉस थीटा आता है तो कॉस जीरो की वैल्यू कितना होती है, वन।
या तो आप इसको डायरेक्ट एफ वन लिख दीजिए, अदरवाइज एफ वन कॉस जीरो डिग्री आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो आप यहाँ कॉस जीरो रिप्रेजेंट करें या ना करें कोई मतलब नहीं है उसका, बस आप सीख लीजिए ऐसे। यहाँ पर आइए एफ टू, इसको रिजॉल्व करते हैं तो ये कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, इसका इंक्लाइनेशन कितना है विथ एक्स पॉजिटिव एक्सिस थीटा, तो प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन है तो यहाँ प्लस साइन आएगा, प्लस एफ टू कॉस थीटा, करेक्ट। चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं ये एफ थ्री, तो ये जो एफ थ्री है तो ये एफ थ्री कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस में यानी वर्टिकल। तो देखिए अब यहाँ दो केस हैं, या तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, वो इसलिए कि ये तो वर्टिकल फोर्स है मीन्स वाई पॉजिटिव एक्सिस पर लाई करता है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि इसका एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ है कितना है 90 डिग्री। तो जब आप यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे एफ थ्री कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू कितना होती है जीरो, तो इसका मतलब इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ रिप्रेजेंट करने की कोई हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको यहाँ मत दिखाइए। जो वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं उनको हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन में रिप्रेजेंट करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि वो कॉस 90 की वैल्यू ऑलरेडी जीरो होती है। तो अब आइए आगे यहाँ पर इसमें जाइए, एफ फोर ये एक्स निगेटिव प्लेन के साथ थीटा वन एंगल इसका इंक्लाइनेशन है, बट कैसे निगेटिव एक्स प्लेन के साथ, तो इसको हम माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस एफ फोर कॉस और एंगल कितना है थीटा वन, करेक्ट। और ये एफ फाइव है तो ये माइनस एफ फाइव, क्योंकि एक्स एक्सिस के एलॉन्ग ये एफ फाइव एक्ट करता है, माने इसका एंगल निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ जीरो डिग्री है, तो माइनस एफ फाइव का जीरो की वैल्यू वन, तो माइनस एफ फाइव। इस पे आइए, ये भी निगेटिव एक्स प्लेन के साथ थीटा टू इंक्लाइनेशन बना रहा है, ये इसका इंक्लाइनेशन कितना है ये थीटा टू एफ सिक्स का, तो ये माइनस होगा एफ सिक्स कॉस थीटा टू, करेक्ट, एफ सिक्स कॉस थीटा टू। अब आइए इसमें एफ सेवन, ये तो वाई निगेटिव एक्सिस पर लाई करता है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आप रिजॉल्व कैसे करें हॉरिजॉन्टली, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। अब इसमें आइए एफ एट, ये अगेन फिर से पॉजिटिव एक्स प्लेन के साथ इसका इंक्लाइनेशन थीटा थ्री है, तो प्लस एफ एट कॉस थीटा थ्री, करेक्ट, ये वैल्यू आपको मिल रही है। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं ये गिवन वैल्यूज हैं इनकी सभी, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको सिग्मा एच की वैल्यू यहाँ मिलती है, करेक्ट, सिग्मा एच आपने फाइंड किया। अब इसके बाद इसको रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व फोर्सेस वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं, वर्टिकली रिजॉल्यूशन में देखिए आइए, यहाँ हम अप्लाई करते हैं सबमिशन ऑफ वी, दिस इज इक्वल टू ये एफ वन, ये कैसे लाई करता है एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया तो इसको आप छोड़ सकते हैं, वो इसलिए कि अगर आप इसको लिखेंगे भी यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एफ वन साइन, क्योंकि वर्टिकल रिजॉल्यूशन में कौन सा एंगल आता है साइन एंगल, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे एफ वन साइन जीरो डिग्री, और साइन जीरो की वैल्यू कितना होती है जीरो, इसका मतलब कि इसको लिखने का कोई मतलब नहीं। अब ये वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक है ना, अब वर्टिकल में ये नहीं आएगा। इसमें आइए एफ टू, ये पॉजिटिव डायरेक्शन पर लाई करता है, देखिए इधर एक्स पॉजिटिव है इधर वाई पॉजिटिव है, मीन्स वाई पॉजिटिव प्लेन पर ये लाई करता है, बट एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही मेजर करते हैं, तो एफ टू साइन थीटा, करेक्ट, ये प्लस एफ थ्री
एफ थ्री ये वैल्यू आ गई। इसलिए कि अब यहाँ आप यह तो ये लिखिए कि एफ थ्री यहाँ वाई एक्सिस एक्स के साथ एंगल कितना है 90 डिग्री, तो एफ थ्री साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आप डायरेक्ट एफ थ्री लिख दीजिए, वाई पॉजिटिव प्लेन पर लाई करता है तो प्लस एफ थ्री हो गया। अब इसमें आइए प्लस एफ फोर, प्लस एफ फोर इसका इंक्लाइनेशन कितना है थीटा 1, तो साइन थीटा 1 या 4 साइन थीटा 1 करेक्ट। अब इसके बाद आइए यहाँ पर यह पाइप, ये तो एक्स प्लेन पर लाई करता है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पर आइए यह 6, अब देखिए ये वाई निगेटिव प्लेन पर लाई कर रहा है, नीचे की तरफ आ गया तो यहाँ निगेटिव साइन आएगा, माइनस यह 6 साइन थीटा 3, थीटा 2 है सॉरी, थीटा 2 एफ 6 साइन थीटा 2। इसमें आइए ये निगेटिव वाई प्लेन पर लाई करता है तो माइनस एफ 7 करेक्ट। अब ये बचा एफ 8, तो माइनस एफ 8 साइन ये इसका इंक्लाइनेशन कितना है थीटा 3, साइन थीटा 3। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो सबमिशन ऑफ वी आपको मिलेगा, करेक्ट मीन्स वर्टिकल रिजोल्यूशन। तो ट्रायंगल ला या पैरेललोग्राम ला, जो भी आपने वेक्टर में जो ऐड करने के मेथड आपने स्टडी किए हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि रिजल्टेंट जो फाइंड करते हैं आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वर्टिकल कॉम्पोनेंट होल स्क्वायर, ये वैल्यू आती है ऐसे सबमिशन ऑफ एच प्लस सबमिशन ऑफ वी होल स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इनका रिजल्टेंट माने कि एट फोर्सेस जो एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं उनका रिजल्टेंट यहाँ से आपको मिल जाएगा। अच्छा, जब इनका रिजल्टेंट आप फाइंड कर लेंगे, यहाँ से तो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो डायरेक्शन, अब ये कहाँ पता चलेगा कि वो जो रिजल्टेंट फोर्स आपने फाइंड किया है वो कहाँ पर एक्ट करेगा, ये भी तो आपको रिप्रेजेंट करना है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इसको आप फाइंड करेंगे टैन थीटा दिस इक्वल टू सबमिशन ऑफ वी अपॉन सबमिशन ऑफ एच, माने वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजेंटल कंपोनेंट, मींस थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स सिग्मा वी बाई सिग्मा एच, करेक्ट। यहां से आप फाइंड कर लेंगे ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। बट अब यहां फिर से एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो रही, क्या आपने थीटा फाइंड तो कर लिया बट अब ये थीटा कहाँ पर लाई करेगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट में, क्वाड्रेंट सेकंड में, क्वाड्रेंट थर्ड में या क्वाड्रेंट फोर्थ में, या तो फोर क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट किया आपने, एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंट किया, सपोज दैट एक एग्जांपल के तौर पे देखिए हम ले लेते हैं, जैसे ये कंसीडर कर लें कि ये एट फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आर आपने फाइंड किया है इसकी जो डायरेक्शन है थीटा, अगर हम ये कंसीडर कर लें कि 30 डिग्री आ गई आपको मिल गई, ये आपने कैलकुलेट किया, एग्जांपल एक टेक कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर वो न्यूमेरिकल या उस तरह का कोई वो यूनिवर्सल क्या कहते हैं एंगल नहीं है, हम एक एग्जांपल टेक करके आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि हम उसकी डायरेक्शन कहाँ पर दिखाएंगे। तो सपोज दैट ये आपने कैलकुलेट किया और हमको थीटा की वैल्यू मिली 30 डिग्री, अब ये 30 डिग्री आप इसको दिखाएंगे कि इसको दिखाएंगे या इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे या वाई एक्सिस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पर, वैसे तो एंगल वाई एक्सिस के साथ रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, किसके साथ, हमेशा एक्स एक्सिस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये जो आपने थीटा फाइंड किया है ये आपका एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल आया है, बट अब ये 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट पर होगा, तो प्रॉब्लम यही है। तो अब यहाँ पर देखिए
ये डिपेंड करता है इनके साइन पर। जैसे आपने सबमिशन एच फाइंड किया था, सबमिशन वी फाइंड किया, ये दो वैल्यू आपने निकाले, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। सपोज दैट ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, ये तो फर्स्ट साइन पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। तो फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव ये कहाँ पर आता है आपका, फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव माने कि प्लस माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने थीटा 30 डिग्री फाइंड किया है वो यहाँ कहीं दिखाया जाएगा, इसे इस एक्स पॉजिटिव एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल पर फोर्थ क्वाड्रेंट पे यहाँ से कहीं से हो जाएगा रिजल्टेंट, करेक्ट। इन केस अगर मान लेते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आए हैं, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ लाई करता है, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। तो ये जो आपने डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री यहाँ पर दिखाएंगे, रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर कहीं होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, रिजल्टेंट ऑफ एट फोर्सेस ये यहाँ दिखाया जाएगा आर, करेक्ट। मान लेते हैं अगर ये दोनों निगेटिव निगेटिव आ रहे हैं दोनों की वैल्यू, ये माइनस माइनस कहाँ आता है, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट पे आता है ये, तो आप 30 डिग्री एंगल पर इधर दिखाएंगे रिजल्टेंट यहाँ आएगा, करेक्ट। अगर मान लेते हैं कि ये सिग्मा एच जो है ये आपका निगेटिव आ रहा है और सिग्मा वी जो है ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव ये कहाँ पर आएगा, पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव ये यहाँ पर आता है, इसका मतलब 30 डिग्री एंगल पर यहाँ दिखाएंगे, करेक्ट। तो ये इनके साइन पर डिपेंड करता है कि उस रिजल्टेंट आर की डायरेक्शन क्या होगी और किस क्वाड्रेंट पर लाई करेगा वो रिजल्टेंट, करेक्ट। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं रह गया, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये तो रिजल्टेंट था कॉन्करेंट फोर्सेस का, अब फाइंड करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। एक ही क्वेश्चन को देखे दो दो तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, एक्चुअल में इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैथमेटिक्स में है, डेरिवेशन हम यहाँ पर जितना हमारी नीड है उतना हम देख रहे हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, सपोज दैट एक ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक इधर हो गया एक ये हो गया एक ये, पी क्यू एंड आर, थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट दिस पॉइंट नोन एज ओ, सपोज दैट ये पॉइंट ओ, इस ओ पॉइंट पर ये थ्री फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट कर रहे हैं और पी क्यू के बिटवीन ये जो एंगल है अल्फा, इधर जो एंगल है ये बीटा और ये जो एंगल है इसको लिखेंगे गामा। तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट ओ, माने कि इस पॉइंट ओ के इक्विलिब्रियम के लिए, मीन्स इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि इस पे जो नेट फोर्स है इस पॉइंट पर वो कितना हो गया, जीरो। देखिए यहाँ पी क्यू आर थ्री फोर्सेस
एक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, बट ये पॉइंट जो है अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? जीरो। तभी हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट किसमें? इक्विलिब्रियम में। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट ओ द कंडीशन इज दैट पी अपान, देखिए इस फोर्स के सामने का एंगल क्या है? बीटा। तो पी अपान साइन बीटा दिस इक्वल टू, इसके सामने का एंगल क्या है इसका? गामा। तो क्यू अपान साइन गामा दिस इक्वल टू ये आर, इसके सामने का एंगल क्या है? अल्फा। तो आर अपान साइन अल्फा। अगर ये कंडीशन जो है सेटिस्फाइड होती है तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ओ जो है वो इक्विलिब्रियम में है, मींस नेट फोर्स ऑन द पॉइंट ओ इज जीरो, करेक्ट। तो ये है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। अब देखिए इसको हम एक बेस्ट एग्जांपल से आपको क्लियर कर रहे हैं और उसी में हम रिजोल्यूशन भी अप्लाई कर देंगे। आइए देखते हैं। एक हमने कुछ इस तरह से फिगर कंसीडर किया, ये एक वाल है और ये सीलिंग। इस वाल और सीलिंग से इस तरह से स्ट्रिंग जो है ये कनेक्ट की गई है और इस स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक वेट हमने कुछ इस तरह से लटका दिया। ये वेट है सपोज दैट 60 न्यूटन। 60 न्यूटन के वेट को इस स्ट्रिंग से एक पर्टिकुलर पॉइंट से इस तरह लटकाया गया कि स्ट्रिंग का ये जो सेक्शन है ए बी ये हॉरिजेंटल हो जाता है और ये जो सेक्शन है बी सी ये सीलिंग से 60 डिग्री एंगल ड्रा करता है, करेक्ट। ये वाल और ये सीलिंग। अब इसमें आपको फाइंड ये करना है जब ये वेट डाउनवर्ड नीचे की तरफ लाई करता है तो इसमें स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी यहाँ पर सपोज दैट ये T1 है और यहाँ पर जो टेंशन होगी वो T2। अब ये वैल्यू आपको फाइंड करना है T1 एंड T2, ये क्या होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक ये सेक्शन है ए बी और दूसरा हो गया बी सी। तो देखिए इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड तो ये है कि जो अभी हमने आपको बताया इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, तो फर्स्ट मेथड इससे हम सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को, आंसर सेम आएगा। अब आपको जो मेथड सूटेबल लगे आप उससे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेथड ये है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये कंडीशन दी गई है कि ये 60 न्यूटन का जो वेट है वो इस पॉइंट से ऐसे जो है लटकाया गया कि जो ए बी सेक्शन है स्ट्रिंग का ये कैसा है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से हमें पॉइंट बी से इस सीलिंग पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ये। तो यहाँ देखिए ये एंगल जो है ये हमको मिल रहा है 90 डिग्री, ये 60 है तो ये आपका यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किया गया तो ये एंगल आपका 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो ये जो कोण बनेगा इधर एंगल जो है ये कितना हुआ 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये 30 है तो ये जो चीज़ है ये कितना हो गया 90 डिग्री, करेक्ट। अब यहाँ देखिए हम तीनों जो फोर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ये है इसको आपने नाम दिया है T2, एक ये है इसको आपने लिखा T1 और एक ये है 60 न्यूटन, करेक्ट। T1, T2 एंड 60 न्यूटन। अब आइए देखिए इसमें क्या होता है, ये टोटल एंगल बिटवीन T1 एंड T2 यहाँ पर ये कितना आया 90 + 30 = 120 डिग्री ये, और इधर ये जो एंगल है ये
ये कितना है 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए टोटल अगर राउंड कर दिया जाए तो कितना होता है एंगल 360 डिग्री। तो यहाँ पर ये 120 है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा आपका इधर वाला। या ऐसे आप देख सकते हैं, देखिए सिंपल सी ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन जा रही है सीधी, अगर आपको उसमें भी डाउट हो रहा है तो वेरी सिंपल, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आपने ड्रा किया, ये स्ट्रेट एंगल है यहाँ पर 180 डिग्री। 180 डिग्री में से इतना ये 30 डिग्री है, तो इतना कितना बचेगा 150 डिग्री। इसका मतलब कि ये जो एंगल है ये कितना आ रहा है आपका 150 डिग्री, करेक्ट। अब देखिए जो अभी आपने इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस आल्सो नोन एज इन मैथमेटिक्स लामीज थ्योरम, उसी को हम दूसरा नाम देते हैं जब मैथमेटिक्स में उसको स्टडी करते हैं, तो उसी का नाम है लामीज थ्योरम, मींस लामी की थ्योरम, करेक्ट। तो ये आपका क्या बन गया भाई, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस माने कि लामीज थ्योरम। तो आप लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने T1, T2 और ये सभी एंगल रिप्रेजेंट किए। अब आप वही कंडीशन अप्लाई करिए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस पॉइंट, इसके लिए क्या होना चाहिए, T1 अपॉन साइन 90 डिग्री, दिस इक्वल टू T2 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका साइन 150 डिग्री, दिस इक्वल टू 60 अपॉन ये क्या हो जाएगा साइन 120 डिग्री, करेक्ट। अब आप इसकी कंपेयरिंग कर लीजिए, तो T1 इज इक्वल टू 60 into साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय साइन 120 डिग्री। आप इसमें वैल्यू पुट करिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर जो आएगा वो न्यूटन में आएगा। इसके बाद T2 आपको फाइंड करना है, तो आप इसकी और इसकी कंपेयरिंग कर लीजिए, तो T2 इज इक्वल टू 60 into साइन 150 डिग्री बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय साइन 120 डिग्री। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये न्यूटन में आएगा। डू योर सेल्फ, इसको आपको अपने से कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट करिए, यहाँ से आप आंसर देखिए T1 T2 का। इन केस आपको ये लग रहा है कि इसमें बहुत डिफिकल्टी है, ये ट्रायंगल बनाना, कहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, क्या करेंगे, इसमें से ये एंगल नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको एक दूसरा तरीका बता रहे हैं। आप इसमें लामी थ्योरम ना अप्लाई करके आप इसमें रिजॉल्यूशन अप्लाई कर दीजिए, रिजॉल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो आपने पढ़ा ही है। सेकंड मेथड आपका जो है इस तरह से भी हो सकता है, आंसर वही आएगा, आप चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं सॉल्व करने के बाद। देखिए यहाँ आपने रिप्रेजेंट किया T2, ये है आपका T1, ये T2 और इधर है ये T1, करेक्ट। और डाउनवर्ड ये जो है वो है आपका 60 न्यूटन, ये 60 न्यूटन। आइए इसी फिगर में हम देख रहे हैं, देखिए ये फिगर हमारा कुछ इस तरह का था, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये सीलिंग से कनेक्ट है, ये 60 डिग्री। एक्चुअल फिगर हमारा यही था, ये आपने T2 टेक किया, इधर T1 टेक किया, 60 न्यूटन। यहाँ पर देखिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं रिजॉल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो रिजॉल्यूशन जो होता है उसी वेक्टर का पॉसिबल है जो किसी क्वाड्रेंट पर है, बाकी तो वो तो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ये तो आपको गिवन ही है, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पर आइए, इसके पैरेलल एक हम सीलिंग के पैरेलल इस लाइन को आगे प्रोसीड करते हैं, ये तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये भी 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब यहाँ पर देखें, इसको आगे यहाँ प्रोसीड किया,
ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ जो T1 है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री इंक्लाइंड है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो इधर हो जाएगा आपका ये T1 cos 60 डिग्री और दूसरा इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा ये T1 sin 60 डिग्री। ये सेकंड मेथड है इसमें। देखिए अब यहाँ आइए, ये दो हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं, तो T1 cos 60 डिग्री दिस इक्वल टू T2। सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है, ये अपवर्ड फोर्स है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, मीन्स T1 sin 60 डिग्री दिस इक्वल टू 60 न्यूटन। इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो T1 इज इक्वल टू 60 अपॉन sin 60 डिग्री, मीन्स 60 अपॉन 0.866। इसको आप डिवाइड करिएगा तो जो वैल्यू देखिए आपको यहाँ से मिलेगी, सेम वही वैल्यू यहाँ भी आपको मिलेगी। अब यहाँ जरूरी नहीं है, पॉइंट में कुछ डिफरेंस हो सकता है पॉइंट के बाद, बट एक्चुअल वैल्यू जो होगी उतनी ही रहेगी, करेक्ट। यहाँ से आप T1 फाइंड कर लेते हैं, ये आपको किसमें मिलता है न्यूटन में। अब ये T1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो वही आपको क्या मिल जाता है, T2 की वैल्यू। तो T1 और T2 दोनों आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तरीका आप इन दो में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे इससे सॉल्व करिए चाहे इससे सॉल्व करिए, आपको जो सुइटेबल लग रहा हो आप उससे सिंप्लीफाई करें। ओके, तो ये आपका जो है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस था, इसको आपको हमने एक एग्जांपल से रिप्रेजेंट कर दिया। आपको उसी में रिजॉल्यूशन अप्लाई करना है तो रिजॉल्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वैसे तो ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है, जैसे हमने लॉज ऑफ मोशन में जो भी डेरिवेशन स्टडी किए हैं वैसे ही हम यहाँ भी डेरिवेशन बिल्कुल सेम उसी टाइप के हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो एक्चुअल में फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन, माने कि अ रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विच अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, माने कि कोई एक रजिस्टिव फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का अपोज करता है, तो उस रजिस्टिव फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को क्लासिफाइड कैसे किया गया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये है कि बॉडी जो है ये अपनी रेस्ट पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन में इस बॉडी और इस सरफेस के बिटवीन जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पर क्या है कि बॉडी में जो एक्सटर्नल फोर्स है, अब वो एक्सटर्नल फोर्स कांटेक्ट टाइप या नॉन कांटेक्ट टाइप जैसा भी है, तो वो क्या है, उस फ्रिक्शनल फोर्स से उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, मींस टोटली क्या इफेक्टिव है फ्रिक्शनल फोर्स, इसीलिए वो बॉडी किसमें है, रेस्ट में है। जब एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये बॉडी
स्टैटिक फ्रिक्शन से, माने कि स्टैटिक पोजीशन से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डायनामिक पोजीशन में। तो उसकी डायनामिक पोजीशन में जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकेंड इज डायनामिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन। अब ये डायनामिक फ्रिक्शन को भी क्लासिफाइड किया गया, एक तो होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग क्या होता है, माने कि फिसलना, जब कोई बॉडी किसी हॉरिजेंटल सरफेस से या इंक्लाइंड सरफेस से फिसलती है तो वो हो गया स्लाइड, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि उस समय भी एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा तो वो आपका क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड रोलिंग, रोलिंग का मतलब कि जैसे कोई स्फीयर हो गया या कोई बॉल है या व्हील है ना, वो हॉरिजेंटल सरफेस पर या इंक्लाइंड सरफेस पे रोल करता है तो उस कंडीशन पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, तो इस तरह से फ्रिक्शन को क्लासिफाइड किया गया है। अब इसमें से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी को ब्रॉड में आपको एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे। दैट्स ऑल।